मैं अकेले आ गई, पता नहीं था, मैंने पूछा नहीं। हैप्पी बर्थडे। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? भाई मजा आया। हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है। आज है, सबसे पहली बात तो आज है मेरी दीदी का बर्थडे, तो आज मैं उनको बहुत ज़्यादा बड़ा वाला सरप्राइज देने वाली हूँ, क्योंकि दीदी का बर्थडे, तो आज मेरी दीदी का बर्थडे है। तो गाइस, आज मैंने ना ही दीदी को विश किया, बर्थडे विश किया है, मतलब कुछ भी, मतलब मैं ना उसको विश किया ना कुछ, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे पता ही नहीं है कि आज उसका बर्थडे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आज उसका बर्थडे है और आज मैं उसको बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। इसलिए मैंने ना ही उसको विश किया है, मतलब कुछ भी नहीं, मैंने सुबह से उसको कोई विश वगैरह कुछ नहीं किया। चली गई लाइब्रेरी, तो उसने भी मुझे नहीं बताया कि आज उसका बर्थडे है, तो मतलब वो आज मेरे से नाराज़ है पूरा दिन। और सबसे पहली बात तो मैं अभी जा रही हूँ स्टूडियो, अभी मैं रेडी शेडी होकर जा रही हूँ स्टूडियो, अभी बज रहे हैं 10, तो स्टेशन के लिए यार स्टूडियो में मुझे लेट ना हो जाए, पर मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूँगी आने का। और मुझे जाना है, मेरा स्टूडियो है कठुआ, सो मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा अभी, पर मुझे जल्दी से वापस आना है। और दीदी के लिए डेकोरेशन का सामान लाना है, बर्थडे डेकोरेशन का सामान लाना है, केक लाना है और साथ में गिफ्ट भी लाना है, और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मार्केट। सो मुझे बहुत ज़्यादा काम करने यार आज। और दीदी तो चली गई लाइब्रेरी, बस यार इतना हो कि वो मतलब शाम तक वापस रूम पे ना आए, अगर वो रूम पे आई यार वो देख लेगी, क्या फ़ायदा, ये सब चौपट हो जाएगा। और आज मैं जिम भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं 8 बजे जिम जाती हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं अभी मतलब डेकोरेट कर दूँगी मैं घर पे, फिर मैं डेकोरेशन स्टार्ट कर दूँगी। और मैं सोच रही थी मैं इधर डेकोरेट करूँगी पूरा, क्योंकि अंदर ना यार हमारे बल्ब ही नहीं लगाया है, तो मुझे तो लगाना नहीं आता है, और अगर मैंने दीदी को बोला तो उसको शक पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा यहाँ पे बाहर लॉबी में बल्ब लगाया है हमने, तो मैं यहाँ पे डेकोरेट कर दूँगी। सो सबसे पहले मुझे यार, मैंने ना पहले ही ऑनलाइन सामान मंगा दिया था डेकोरेशन का, लेकिन वो अभी तक आया नहीं, तो मुझे लगता है मुझे मार्केट से ही लाना पड़ेगा। सो अभी हम बहुत ज़्यादा, तो यही सोच रही होगी कैसी बहन है मेरी, इसने तो मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया है, क्योंकि यार बुरा लगता ही है कि मेरी बहन ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, तो और उसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी, लेकिन उसको क्या पता कि मैं उसके पीछे कुछ और ही प्लान कर रही हूँ। पर यार मुझे इतनी डर, देखो दिख रहा है आपको, ये देखो सुबह सुबह प्रेस कर रही थी मैं, और उससे मेरा हाथ जल गया, चिपक गई थी। हाय रब्बा, बहुत दर्द है मुझे, मुझे बहुत दर्द था। फिर मैं इतनी दूर है यार, मैं कभी पहले आई नहीं, तो क्या नाम है, मैं और रफ़ी ने आना था दोनों ने, मैंने उसको बोला, वो अभी आया नहीं था, वो बोल रहा था कि अभी मैं कहीं पे गया हूँ, तो मंगलवार को जाएंगे, मैं पहले जाती हूँ यार, मैं अकेले आ गई, पता नहीं था, मैंने पूछा भी नहीं कि इतनी दूर है यार। चार बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना। दीदी के बर्थडे सेलिब्रेट करना, डेकोरेट करना, केक भी लगाया, कुछ सामान भी नहीं लाया यार, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। और साथ में सोचो मैंने दीदी का स्टेटस वगैरह कुछ नहीं लगाया, ना उसको विश किया हूँ मम्मा, अगर मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाई इसको तो यही लगेगा कि मैं तो बर्थडे भूल गई हूँ। मैंने मास्क पहन लिया है यार, मैं फंस गई यार, मेरे को दिमाग खराब हो रहा भी। बर्थडे करा दी कपड़े महंगी गड्डियां चला के कार तेरे आए मैं।
सो गाइस मैं फाइनली ये डेकोरेट कर पाई हूँ उतने टाइम में, सो आई एम सो सॉरी अच्छे से नहीं हो पाया। हैप्पी बर्थडे। आपने सुनाया है बर्थडे मुझे, मैं पूरी को सारी से सुबह से मैं बोला उसने मुझे मैसेज भी नहीं किया, विश भी नहीं किया, मुझे किया था मुझे बर्थडे का। इधर आई मैं रूम में, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं चली रूम में, अब देखा तो ये बंद है मेरे थे फिर मैं लेट आ रहा हूं। आपके कट कर जल्दी आ जल्दी ये फिर जाना सब। थोड़ा कौन बाल।